अक्सर हमने सुना है कि जी आर्टिस्ट वही इंसान बनता है जिसका दिल टूटा हो क्या आपका दिल टूटा है हाँ ऑबियसली कितनी बार आई थिंक कि एक तो आर्टिस्ट लाइक अब बाय बर्थ होते हो यू बॉन्ड विद इट बट एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू टेक दैट थिंग आउट वट इनसाइड यू यू हैव टू गो थ्रू समथिंग यू हैव टू फील द डेप्थ As until or unless you don't feel the depna, it could be anything, happiness, mm. sadness, whatever. Until or unless you don't feel it, you you cannot be an artist because mm. it's very important that you feel something deep down to uh, to make yourself that capable that you can take it out and you can paint what's in your mind and what are your thoughts on it. Mm. So it's important ki aap us, uh face guzro. और फिर आप उसको जब बाहर लाओ एज एन आर्ट के फॉर्म में तो वो एक अलग ही जोन होता है नॉट एवरी वन हैज़ दैट कैपेबिलिटी घर वालों ने कभी मना किया पेंटिंग करने से या इन्फ्लुंसर बनने से या पोस्ट कोई मुश्किल कुछ नहीं नहीं पेंटिंग तो नहीं कभी ना ही लाइक मेरी फील्ड कि मैं फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हूँ ऑल ऑफ दैट शुरू में थोड़ा सा इनफ्लुएंसिंग का uh, था बिकॉज इट वॉज़ न्यू मतलब ये इंस्टाग्राम uh, आया 2012 में तो उसके बाद 15 और 16 से इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट हो गई एक टर्म आ गई तो इट वाज काइंड ऑफ न्यू बिकॉज लोगों को लगता था कि यार अगर कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है तो ये लाइक uh, like, uh, जो हमारी पाकिस्तानी मैंटालिटी है ये मॉडल है इसने ऐसे uh, कपड़े पहने हैं ये इट्स इट्स वेरी इजी टू टारगेट हर इट्स वेरी इजी टू यू नो टेक हर इन ऑफ दैट जो हमारी सोच है हमारी पूरी सोसाइटी की अच्छा एज इन्फ्लुएंसर थ्रू इंस्टाग्राम कितने को पैसे कमा सकते हैं हाँ वैसे ऑनेस्टली अगर मैं एक प्रैक्टिकल uh, बात को करूँ तो वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर टर्म जो है वो उन लोगों के लिए दोज कैन अफोर्ड बिकॉज इट्स ऑल अबाउट शोइंग वट यू हैव इट्स ऑल अबाउट शोइंग योर लाइफ स्टाइल ठीक है अगर किसी इंसान का मतलब नहीं है जो भी है वो नहीं वो कर सकता तो फिर इन्फ्लुएंसिंग उसके लिए नहीं बनी है इवन दो वो कर ले कर ले और एल्स यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आप उस रीच तक पहुंच जाओ और वो हर एक के साथ नहीं है वो दो तीन लड़कियां होंगी इन्फ्लेंसर जैसी बाकी मैंने जितनी भी देखी है ना ये मोस्टली uh, जिनको पी आ भी जाते हैं जो ये सब कर भी रही हैं वो बेसिकली इसलिए है बिकॉज दे हैव दैट लाइफस्टाइल जो वो शो करती हैं ठीक है तो मतलब आप ये कह रही हैं कि इतने ज़्यादा पी आते नहीं हैं जितने दिखाए हैं जी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है तो so मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मतलब जिसके कोई एक लाख तक फॉलोवर्स हो ये चले पचास हजार फॉलोअर्स हो उसको महीने में अराउंड कितने रूपिया आ जाते होंगे मिनिमम uh, एक दो ठीक है और अगर आपकी मतलब बहुत अच्छी रीच है आपका आप कर कारी ही यही रहे हो है। there are lot of जो सिर्फ यही कर रहे हैं और इसी से कमा रहे हैं ठीक है ठीक है हाँ ना तो ब्रांड आपको खुद अप्रोच करते हैं एंड वेन दे अप्रोच यूसलीम के इतने पैसे हैं ये है, तो वो फिर इस तरह एक सेटअप चल जाता है मतलब जो ज्यादा हाईप है यू हैव लाइफ स्टाइल गुड रीच यू है इंस्टाग्राम एक झूठ है धोखा है हाँ वो तो पूरी दुनिया ही है ना पूरी दुनिया ही है yeah. ये भी ठीक है <laughs> वो तो पूरी दुनिया <laughs> पूरी दुनिया